यूपी में एक ओर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर ठीक होने वाले मरीजों का ग्राफ भी अब तेजी से ऊपर आता दिख रहा है। रविवार को यूपी में ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 41,641 पर पहुंच गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,741 मरीज रिकवर हुए हैं। इसी के साथ यूपी रिकवरी के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया। यूपी से ऊपर सिर्फ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यूपी से महज 1700 मरीज ज़्यादा ठीक हुए हैं। हालांकि यूपी में पिछले 5 दिन से कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आ रहे हैं। रविवार को पहली बार एक दिन में ही कुल 3000 नए केस सामने आए। इनमें से सबसे ज़्यादा लखनऊ में 449 नए मरीज मिले। कोरोना वायरस से चल रही जंग में टेस्टिंग अहम है। इसे ध्यान में रखते हुए आज 3 नए टेस्टिंग सेंटर्स का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा के साथ मुंबई और कोलकाता में खुल रहे इन सेंटर्स का उद्घाटन करने वाले हैं। इनकी मदद से देश में कोरोना टेस्टिंग में तेजी आएगी, बीमारी की शुरुआती पहचान हो सकेगी और समय रहते उपचार करने में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। नोएडा के ICMR राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान में यह सेंटर स्थापित किया गया है। इन तीनों लैब्स में हर रोज 10,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा। इन प्रयोगशालाओं में COVID-19 के अलावा अन्य बीमारियों की भी जाँच हो सकेगी। बिकरू कांड के कुछ दिन बाद सामने आई शहीद CO देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से उठे विवाद का भले ही फौरी तौर पर निपटारा कर दिया गया हो, लेकिन अब भी सब कुछ ठीक नहीं है। जांच में पता चला है कि SSP दफ्तर भेजी गई CO की चिट्ठियों में अलग हस्ताक्षर हैं, जबकि कुछ अन्य पत्रों में CO के हस्ताक्षर अलग हैं। पत्रों के इस खेल में CO के दफ्तर में तैनात पुलिस वालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिकरू कांड के बाद सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी ने तहलका मचा दिया था। देवेंद्र मिश्रा ने कथित तौर पर यह चिट्ठी तत्कालीन SSP अनंत देव को भेजी थी। इसमें चौबेपुर थाने के SO विनय तिवारी की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। शुरुआती जांच के बाद SSP दिनेश कुमार पी ने कहा था कि चिट्ठी का SSP और CO दफ्तर में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह से पहले सरकार ने अयोध्या के सुंदरीकरण और विकास का पूरा खाका तैयार किया है। इस क्रम में अयोध्या बाईपास से लेकर शहर तक तमाम बड़े काम किए जाने हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही शहर के तमाम स्थानों का भी विकास सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इस क्रम में अयोध्या बाईपास के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक खास योजना बनाई है। इस प्लान में बाईपास के पास भगवान हनुमान की प्रतिमा लगाने, छोटे फ्लावर गार्डन बनाने और फाउंटेन लगाने का प्लान भी शामिल है। NHAI की इस योजना में 55 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जानी है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। सूत्रों की माने तो इसी दिन अयोध्या के ही धनीपुर गाँव में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा की जा सकती है। पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मसले पर फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया था कि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन कहीं और दी जाए। यह जमीन सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का आदेश दिया था। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी के अनुसार मस्जिद के निर्माण के लिए ट्रस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें लगभग 15 सदस्य होंगे। आधिकारिक तौर पर एक हफ्ते में इसकी जानकारी दी जाएगी।